हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट आईटीआई में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने शुरू किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 2012 से 21 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं इसरो में, उन सभी का सॉल्यूशन। ठीक है, तो सेट 6 चल रहा था जिसका हमने 20 क्वेश्चन करा दिया था और आगे का क्वेश्चन कराना है। ठीक है, तो आज हम करा रहे हैं 20 क्वेश्चन के आगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। और अगर इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं, या आप सर्च करेंगे हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट आईटीआई, आपको उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई इसरो प्रीवियस ईयर की मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, 21 नंबर। इसके पहले 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन 21 नंबर है, पार्श्व ए से युक्त एक क्यूब का सतह क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए 6a², ऑप्शन बी 6a, या फिर ऑप्शन सी ए क्यूब, या फिर ऑप्शन डी 3a². इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 6a². ठीक है, चलिए आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल चांदा का निम्नतम काउंट है। आपका इसमें वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर पूछा है कि क्या होगा, इसका लिस्ट काउंट क्या होगा। ऑप्शन ए 1 मिनट, ऑप्शन बी 5 मिनट, ऑप्शन सी 10 मिनट, या फिर ऑप्शन डी 25 मिनट। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट इसका राइट आंसर होगा। आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन, एक बाह्य माइक्रोमीटर की ऋणात्मक त्रुटि है, सही रीडिंग किससे लिया जा सकता है। ऑप्शन ए वास्तविक रीडिंग में ऋणात्मक त्रुटि जोड़ने पर, ऑप्शन बी वास्तविक रीडिंग में ऋणात्मक त्रुटि को घटाने पर, या ऑप्शन सी वास्तविक रीडिंग में ऋणात्मक त्रुटि को 2 बार जोड़ने पर, या फिर ऑप्शन डी वास्तविक रीडिंग में ऋणात्मक त्रुटि को 2 बार घटाने से। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, वास्तविक रीडिंग में ऋणात्मक त्रुटि को जोड़ने पर। यही आपका अगर धनात्मक त्रुटि होता तो आप क्या करते हैं, उसमें ऋणात्मक मतलब जो धनात्मक त्रुटि होता है उसको आप घटा देते। ठीक है, जस्ट अपोजिट करेंगे, अगर ऋणात्मक रहेगा तो जोड़ेंगे और अगर धनात्मक रहेगा तो घटाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, एक 50 से 75 mm बाह्य माइक्रोमीटर का शून्य रीडिंग क्या है। व्हाट इज द जीरो रीडिंग ऑफ 50 और 75 mm। ऑप्शन ए 0.00 mm, ऑप्शन बी 0.01 mm, ऑप्शन सी 75 mm, अरे ऑप्शन सी 25 mm, या फिर ऑप्शन डी 50 mm। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 50 mm, क्योंकि जीरो रीडिंग 50 mm पे ही सेट रहेगी, उसके आगे वो 50 से 75 तक का नाप लेगा, 50 तक का उसमें ऑलरेडी नाप रहेगा। ठीक है माप, चलिए आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए स्क्रू, ऑप्शन बी बोल्ट, ऑप्शन सी स्टड, या फिर ऑप्शन डी नट एवं बोल्ट। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, नट एवं बोल्ट, नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। स्पॉट फिशिंग के लिए किया जाता है, मतलब किसके लिए स्पॉट फिशिंग किया जाता है, किस चीज़ के लिए। ऑप्शन ए ड्रिल किए गए छिद्र के मुंह को डीबर करने के लिए, ऑप्शन बी सतह को स्पॉट किया जाए ताकि बोल्ट हेड सतह ठीक पर ठीक बैठ जा सके, ऑप्शन सी ड्रिल किए गए छिद्र को सूक्ष्म संपूर्ति देने, या फिर ऑप्शन डी है वर्तमान छिद्र को बड़ा करने। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सतह को सपाट किया जाए ताकि बोल्ट हेड को ठीक से बैठाया जा सके। ठीक है, चलिए आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन है, किस डैश मतलब खाली स्थान है द्वारा मशीन टूर्क पर ड्रिल चक्कों को रखा जाता है, मतलब ड्रिल चक को किस पर रखा जाता है। ऑप्शन ए आर बार, ऑप्शन बी ड्रिफ्ट, ऑप्शन सी ड्रा इन बार, या फिर ऑप्शन डी है चक नट। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, आर बार, आर बार पर ही हम ड्रिल चक को फिट करते हैं, जो कि टेपर में होता है, उसको हल्का सा ठोक देते हैं तो वो फिट हो जाता है आर्बर में, इसमें मोस्ट टेपर होता है। ठीक है, अगर टेपर पूछेगा तो इसमें क्या रहेगा, मोस्ट टेपर। चलिए आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे।
28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम अपघर्षक है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी एमरी, ऑप्शन सी हीरा, या फिर ऑप्शन डी कोरंडम। कृत्रिम मतलब कि बनावटी, आर्टिफिशियल पूछा है ना, तो इसमें आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड ए राइट आंसर होगा। ये क्या होता है, आर्टिफिशियल बनावटी होता है। बाकी सब हीरा एमरी और कोरंडम क्या होते हैं, ये नेचुरल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर के पार्श्वों से युक्त एक त्रिकोण का क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 30, या फिर ऑप्शन डी 24। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है, बटरस थ्रेड का कोण है? ऑप्शन ए 47 डिग्री, ऑप्शन बी 55 डिग्री, ऑप्शन सी 45, या फिर ऑप्शन डी 29। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 45 डिग्री। ठीक है, चलिए आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन है, कॉलेट चेक की पकड़ के लिए होता है? ऑप्शन ए भारी कृत्य को हैवी जॉब्स, बड़े व्यास वाले कृत्य को लार्ज डाया जॉब्स, ऑप्शन सी छोटे कृत्य को, या फिर ऑप्शन डी छोटे व्यास के कृत्य को। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, छोटे व्यास के कृत्य को, मतलब कि स्मॉल डाया जॉब, स्मॉल पतला जाया जॉब पकड़ने के लिए हम लोग कॉलेट चेक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। डैश खाली स्थान के लिए स्थिरांक का उपयोग किया जाता है कृतक को चलाने के लिए। ऑप्शन बी कृतकों का धारण करने, ऑप्शन सी कृतक का समर्थन करने, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसमें आपका ऑप्शन बी ए सी राइट आंसर होगा, कृतक का समर्थन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन है, कैरियर का उपयोग किस साथ किया जाता है? ऑप्शन ए कैच प्लेट, कैरिज, ऑप्शन सी टेल स्टॉक, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, कैच प्लेट के साथ कैरियर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। डैश के कर्तन के लिए मिनरल को कार्यरत किया जाता है? ऑप्शन ए बुश स्लीव, गियर ब्लैंक, ऑप्शन बी टूर्क पिस्टन हेड, ऑप्शन सी बियरिंग बोल्ट स्टड, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें से ऑप्शन ए राइट आंसर होगा आपका, बुश स्लीव और गियर ब्लैंक के लिए मिनरल का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है, फार्मर टूल प्लंजिंग विधि टेपर कर्तन की एक विधि है जो के लिए प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन ए टेपर की बड़ी लंबाइयों में, ऑप्शन बी बहुमात्र उत्पादन में, टेपर की छोटी लंबाइयों के लिए जहां यथार्थता मानदंड नहीं है, या फिर ऑप्शन सी टेपर की माध्यमिक लंबाइयों, या फिर ऑप्शन डी टेपर की छोटी लंबाई के लिए जहां यथार्थता अनिवार्य है। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बहुमात्र उत्पादन में, मतलब कि मास प्रोडक्शन में उपयोग किया जाता है टेपर की छोटी लंबाई काटने के लिए। ठीक है, जहां यथार्थता मानदंड न हो, मतलब कि जहां की कोई वो न हो, क्या कहते हैं, लिमिट न हो, एक्यूरेसी न हो। ठीक है, चलिए आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। 36 नंबर क्वेश्चन है, निर्मित में सबसे बड़े व छोटे आकारों के बीच अनुमत्य अंतर है? ऑप्शन ए क्लियरेंस, ऑप्शन बी एलिवेंस, ऑप्शन बी सहिष्णुता, या फिर ऑप्शन डी सीमा। इसमें आपका ऑप्शन ऑप्शन सहिष्णुता टॉलरेंस सही आंसर होगा, क्योंकि सबसे बड़े और सबसे छोटे आकारों के बीच, मतलब कि हाई लिमिट साइज और लोअर लिमिट साइज के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, सहिष्णुता कहते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 नंबर क्वेश्चन है, किसी आरेखण में एक सॉफ्ट के आयाम 40+0+068 0.042 mm दिखाए गए हैं, उस शाफ्ट का आकार है, उस शाफ्ट का कौन सा आकार सहिष्णुता के अंदर नहीं है? ऑप्शन ए 40.068, ऑप्शन बी 40.96, ऑप्शन सी 40.00 mm, या फिर ऑप्शन डी 39.998। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 40.096, क्योंकि यह लिमिट से बहुत ज़्यादा है। नंबर क्वेश्चन है, अंतरा परिवर्तनीयता असमानता
के लिए अनुप्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन ए भागों की मरम्मत, ऑप्शन बी बहुमात्र उत्पादन, ऑप्शन सी एकल वस्तु उत्पादन, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बहुमात्र उत्पादन। मास प्रोडक्शन में इंटरचेंजबिलिटी का उपयोग क्यों करते हैं मास प्रोडक्शन में, ताकि कोई भी पार्ट्स कहीं भी आपको मिल सके। चलिए आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन है, पार्श्व ए से युक्त एक समपार्श्व त्रिकोण का क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर, ऑप्शन बी कड़ी में 3/2 ए स्क्वायर, ऑप्शन सी कड़ी में 3/6 ए स्क्वायर, या फिर ऑप्शन डी कड़ी में 3/ ए स्क्वायर। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। संकुचन समंजन का सर्वोत्तम उदाहरण है। ऑप्शन ए साइकिल का चक, ऑप्शन बी मोटर कार का चक, ऑप्शन सी शाफ्ट पर एक बॉल बेयरिंग, या फिर ऑप्शन डी बैगन के चक्रों का लोहे का टायर। आपका ऑप्शन इसमें डी राइट आंसर होगा, बैगन के चक्रों पर लोहे का टायर, बैगन के चक्रों पर लोहे का टायर। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल अगले क्लास में फिर 20 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।